हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितेश यादव। आज हम बात करेंगे, अगर बच्चा बिस्तर से गिर जाता है तो क्या करें, किस चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर बच्चा बिस्तर से गिरता है तो उसको उठाएं, कंसोल करें, क्योंकि बच्चा डरा हुआ हो सकता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्राई कर सकता है। तो गोदी में लीजिए, बच्चे को प्यार से कंसोल कीजिए। दूसरा, देखें कि उसको कोई गहरी चोट तो नहीं लगी है, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं है, नाक से, सर से। अगर कहीं से ब्लीडिंग है तो उस एरिया को आप किसी भी कपड़े से, जो कि साफ़ कपड़ा हो, उससे दबा सकते हैं ताकि ब्लड रुक जाए और आप नियर बाय डॉक्टर के पास पहुँचें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, फोर्सफुली प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, दूर जाके जो गिर रही हो ऐसी उल्टी करे, बच्चा सुस्त हो जाए एकदम से, जैसे कि बहुत ज़्यादा सो रहा हो या बिल्कुल उठाने पर ना उठ रहा हो, दूध पीना छोड़ दे, या बच्चे को कोई दौरे जैसी शिकायत लगे, जैसे कोई भी हाथ पैरों की अकड़ना, आँखें ऊपर चढ़ाना, मुँह से झाग आना, या बच्चे का लेटरिन या पेशाब निकल जाना, ऐसा हो तो इमिडिएटली आपको बच्चे के डॉक्टर के पास में पहुंचना है, उनको दिखाना है। आगे जो भी मैनेजमेंट होगा वो डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज़, अगर बच्चा ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है तो इमिडिएटली आप बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं। अगर 2 फीट से ऊपर अगर बच्चा गिरता है तो इमिडिएटली दिखाएं, चाहे कोई भी चीज़ इनमें से ना हो, ताकि वो इंजरी के लिए आपके बच्चे को एग्ज़ामिन कर सकें। थैंक यू।